हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, मेरा बैंगन का पेड़ में बैंगन हुआ है, तो बहुत दिन से मैं जाके देख ही रही थी कि बैंगन कितना बड़ा बड़ा हुआ है। अभी सुनती हूँ कि बैंगन बड़ा हो गया, क्योंकि कुछ दिन से मैं इतना बिजी थी, आप सबको तो पता है शादी में बिजी थी। अब शादी वगैरह सब खत्म हो चुका है, सोच रही हूँ कि बैंगन काट के इसमें डालूंगी और पका के खाऊंगी। रेसिपी का वीडियो अभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ मैं बैंगन कितना बड़ा बड़ा हुआ है, कैसा हुआ है, वही मैं कट करने जा रही हूँ बैंगन को। और आप सब भी देखिए कि मैं बैंगन कैसे काटती हूँ और कौन सा मेरा बैंगन वो है। आइए गाइस, आइए मेरे चिप चाहिए। तो देखिए गाइस, ये है मेरा बैंगन का पेड़। देखिए कितना बड़ा बैंगन का पेड़ हुआ है, कितना सारा फूल खिला है, कली खिला है। और इधर देखिए नीचे, ये देखिए नीचे, देखिए कितना बैंगन हुआ है बड़ा बड़ा। यही सबको मैं काटूंगी। देखिए मैं कट कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। देखिए वाइट बैंगन है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है वाइट बैंगन। देखिए बिल्कुल वाइट बैंगन, आप लोगों ने देखा है ऐसा वाइट बैंगन। जिसको पता है वाइट बैंगन के बारे में वो कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वाइट बैंगन भी होता है। पहली बार मैं ये वाइट बैंगन लगाई थी और पहली बार मेरे घर हुआ है वाइट बैंगन। ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ कहाँ हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ा वाला बैंगन, ये तो छोटू सा है एक, और ये बड़ा वाला बैंगन है। ढेर सारा, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखिए ढेर सारा बैंगन हुआ है। तो ये सब कट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से फिर सड़ जाएगा। एक साथ निकल आया है सारा बैंगन। बहुत सारा बैंगन हुआ है एक साथ। ठीक है, छोटी छोटी सा, ये सब भी बड़ा नहीं होगा, काट लेती हूँ, बड़ा नहीं होगा, मत काट लो, ये सब बड़ा होगा। पानी देना पड़ेगा भाई, तो पानी डाल दवा। तो देखिए गाइस, ये है वाइट बैंगन और मैं पहली बार ऐसा वाइट बैंगन देखी हूँ, कभी देखी नहीं हूँ। इसका भरता बनाया जाता है, इसको अगर पूरा पीस करके बनाइएगा, मतलब पूरा ही बनाना पड़ता है भरता जैसा, जैसे इसका मुसल्लम कहा जाता है, या कोई ऐसे फ्राई करके, या बेसन के साथ फ्राई करके, कोई चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितना हुआ, मेरा तो दो टाइम का हो जाएगा, एक टाइम का तो हुई, इतना बैंगन हुआ है दो टाइम बाद। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सब देख के, क्या बताऊँ। क्योंकि घर का अगर कोई भी चीज़, अगर घर का चीज़ अगर खाया जाए तो भले ही कम क्वांटिटी में हो, फिर भी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। मुझे तो आज क्या बताऊँ, इतना सुकून मिल रहा है ये सब देख के। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बैंगन, मेरे घर बैंगन हुआ है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। आप सब कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं आप सबको। और इधर आइए गाइस,
टमाटर देखिए, कितना टमाटर आया देखिए, देखिए कितना सारा टमाटर आया है, निकला है, लेकिन अभी पका नहीं है। किसी दिन मैं इस टमाटर को कच्चा ही पका के खाऊंगी। और ढेर सारा टमाटर खिला है, ढेर सारा टमाटर खिला है और बहुत ही सुकून मिलता है। तो गाइस देख, आज मैं ये सब्जी अपने हाथों से कट करके इतना मुझे सुकून मिलता है, क्या बताऊँ। बस इतना ही सा एक छोटा सा ब्लॉग था, ये ले जाके मैं कट करके ले जाके पकाऊँ और खाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये बैंगन, लेकिन क्या बताऊँ, सच में बता रही हूँ, ये लाइफ में मैं पहली बार ऐसा वाइट बैंगन देखी हूँ। मैं कभी नहीं देखी, जब दुकानदार से मैं खरीद के लेके आ रही थी तो वो लोग बोल रहा था कि वाइट बैंगन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वाइट बैंगन होगा। तो चलिए, पैसा वसूल हो गया, दुकानदार ने जो कहा वो निकला है, वाइट बैंगन आया है, बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।